बेअदबियां हुई हैं पंजाब दरबार साहब हुई है उदे रोस विच सिख संगत का कट होया श्री अकाल तख्त साहब की अगवाई हेठ ते जेड़ा असी रोस कर रहे हैं कि पंजाब सरकार ए लगता है कि अब बड़ा जो जो होया साजिश तहत होया दोषियों नू फण दी बजाए प्रूफ मिटाए जा रहे हैं पुलिस तो एक डीएसपी लेवल दी कमेटी एसआईटी बनाउणा क्लियर है कि कांग्रेस सरकार इंसाफ नहीं देना चाहते जे इंसाफ नहीं देना चाहती सारे सबूत मिटाउणा चाहती है इहदा मतलब कि वह साजिश पिछे है। मैं पूछना चाहना पंजाब सरकार तो किन्ने दिन हो गए 48 घंटे क्या उहदे बाद एक छोटी डीएसपी की कमेटी बनाती एक बार भी एसजीपीसी को नहीं आए पता करने वास्ते एक रिकॉर्ड भी पूछने नहीं आए पता करने वास्ते की होया इत्थे आता इन्हां दी सोच है पिछले 5 साल जिन्नियां बेअदबियां हुई हैं वो तो पहले हुई हैं कांग्रेस ने साजिश खेडी दुश्मनां दोषियों नूं फड़न की बजाय पॉलिटिक्स खेडिया हुण तां ऐ लगता है कि बड़ी गिनी मिनी साजिश नाल आ सारा किया जा रहा है तो सरकार उन्हें कवर अप कर ली है। वो तो इंटरनल अपनी जांच है पर ऑफिशियल तो सरकार दी है सरकार दी जिम्मेवारी है वो तो असी अपना इंटरनल सेटअप देख देखने वास्ते है कोई जथेदार ने एक अपील की है कि संदेश दिता कि श्रोमणी अकाली दल ही नुमाइंदगी करे हर जेकर किसी भी धर्म के उत्ते जो हमला होंगे तो श्रोमणी अकाली दल डट के खड़ा रहे तुहाडा की कहना। मैं असी शुरू तो श्रोमणी अकाली दल गुरु साहब के दसे रसते सरबत के भले की गल करता रहा है और जिस नाल भी कोई कोई बेइंसाफी होगी किसी भी धर्म ना होगी श्रोमणी अकाली दल खड़ा रहेगा। मैं उही कहना चाहना बड़ी वड्डी साजिश राही भारतीय जनता पार्टी गुरु घरां दे उत्ते कब्जा करना चाहती है ते अज जिवें सिंह साहब ने कहा सिख संगत किसी नूं अलाउ नहीं करती बर्दाश्त नहीं करती कि साढ़े गुरु धर्मां ते कोई कब्जा करे देख रेख की जिम्मेवारी गुरु धामां दी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो डीजीपीसी दी है सिख संगत दी है किते तुसीं साजिश नहीं। बड़ा दुख है कि एक दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान होए तो वह भारतीय जनता पार्टी चले जाए ये तो वड्डी माड़ी गल की हो सकती है। मैं उही कहना चाहना जो 800 किसानों की जिवें सिंह साहब ने कहा कि 800 किसानों दीआं मौतां उत्ते लाशां उत्ते पैर रख के जिहड़ा जाणा चाहूगा उन्हूं शर्म होनी चाहीदी है। बड़ा अफसोस है उत्थे जो होया बड़ा अफसोस है इहदी भी इनकुआरी सिस्टम बनाउणे चाहीदे है तो उत्थे इनकुआरी भी होनी चाहीदी है इहदा अगे तो ना होए। मैं चन्नी सीएम नूं पुछना चाहुंदा चन्नी चीफ मिनिस्टर ने अपने करोड़ों रुपये लिया के इश्तहार लाते कि 36,000 नौकरियां पक्कियां हो गई तो हूँ कह रहे हैं कि हले गवर्नर के साइन नहीं हुए तो झूठ क्यों बोलिया चन्नी सीएम ने पूरे इश्तहार लाते करोड़ों रुपये कि 5 रुपये रेता है तो 40 रुपये रेता तो 40 रुपये रेता मिली जाता है आ सारा करोड़ों रुपये झूठ बोल बोल के अपनिया अपनिया बोर्ड लाई जा रहे हैं सच्चाई सामने आ रही है हुण उन्हें जवाब पूछना जवाब दे पंजाब की संगत नूं कि उन्हें बोर्ड क्यों लाए। इंटरनल मैटर मैं अखीर में आई कहना चाहना कि पंजाब सरकार जो ये तो वड्डी गल नहीं हो सकती जो दरबार साहब हुई है तो माड़ी गल नहीं हो सकती पर बड़े दुख ना कहना पैंदा है पंजाब सरकार कवर अप ऑपरेशन ते लगी है दोषियों नूं फंड दे उदे मगर साजिश की है उदे मगर जान नूं नहीं जिहड़ी बड़ी दुख है 100% पिछले 5 साल भी सियासत की परमात्मा मेहर करे पंथी सरकार बने आ जिहड़े दोषी है सारे दोषी फड़ के देवांगे। असी मैं पहले भी कहा सी तो सिख पंथ ने भी अरदास परमात्मा गुरु घर की है कि ये जी सियासत करूगा वह कख नहीं रहूगा इन्होंने 5 साल सियासत की।